हेलो बच्चों, आज हम सेंटर ड्राइंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको ध्यान रखना है अपना। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और अनावश्यक बाहर जाने से बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सांता की कैप से शुरू करेंगे। उनकी कैप में जो वाइट फर लगी होती है ना, हम उसको ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर उनकी कैप ड्रॉ करेंगे। देखिए बहुत इजी है, ए शेप में हम बना देंगे और नीचे जो कैप थोड़ी लटकी होती है, और उसके बाद यहाँ पर भी जो नीचे आप देख लीजिएगा शेप थोड़ी सही आए। कर सकते हैं पेंसिल को लाइट लाइट चलाना आप लोग। और ये हमने उनकी कैप बना दी। अब आती है फेस की बारी, और आज हम फेस ही बनाएंगे। फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरा सेंटा बनाना सिखाऊंगी। फेस के लिए देखिए मैंने सेंटर लाइन ली, उसके बाद साइड में, क्योंकि उसके साइड हेयर भी आएंगे, हमने छोटी छोटी कर्व लाइन बनाई हैं। और ये उनके चीक्स, उनके गाल बना दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर में उनकी मूछें बनाएंगे, मस्टेक, जो हम उनके चीक्स से जोड़ देंगे। देखिए बड़ी बड़ी मूछें होती हैं सेंटा की, और बड़ी सी नोज़ होती है। ये हमने बना दी, और नोज़ के सेंटर से ही ये हमने उनकी मूछें बना दी। देख लीजिएगा लाइन छोटी बड़ी हो रही हो तो आप उसको इरेज करके करेक्ट कर दीजिए। थोड़ी सी और बड़ी बना लेंगे उधर से मुझे। ये देखिए ऐसे हम लोग ये ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, और अब उनके लिप्स बना देंगे यहाँ पर। अब देखिए हमने कैप में कलर कर लिया, और ये उनके फेस में मैं फेस कलर कर रही हूँ। इस कलर को हम कर लेंगे आईब्रोज, आईज और उनकी कैप को बचाते हुए, क्योंकि उनको हमें वाइट रखना है। और हम इस फेस से फेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फेस कंप्लीट हो गया, मैंने उनके लिप्स में भी कलर लगा दिया। अब जो वाइट वाला एरिया है, आप चाहे तो उसको वाइट कलर से वाइट कर सकते हैं, कॉटन भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और आईज़ में ब्लैक और ब्लू की शेड्स हम दे देंगे। जो आई बॉल है छोटे वाली, उसमें हम ब्लैक कर रहे हैं, और उसके बाहर वाली में हम थोड़ा ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कॉटन यूज़ करनी है तो आप कॉटन लगा लीजिए उनके बियर्ड में और उनकी कैप में। और अगर आप वाइट को ऐसे ही पेपर को ही वाइट रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, कलर करना चाहते हैं तो वाइट कलर भी कर सकते हैं, जो आप चाहें।
उस तरह से आप इसमें वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डल पेपर है, इससे थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी, इसलिए मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। और आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं वाइट पेपर, क्योंकि जब हम ब्लैक आउटलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइट कलर अपने आप अच्छा खिल के आएगा। कंप्लीट हो गए हमारे सेंटर और आप ऐसे ही बनाएंगे अपनी ड्राइंग फाइल में, उसकी फोटो मुझे भेजेंगे। थैंक।